हेलो फ्रेंड्स, टारगेट अचीवर पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेपो रेट और रेपो रेट से रिलेटेड आंसर एंड क्वेश्चन के बारे में। तो रेपो रेट किसको कहते हैं, ये समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। जब हमें पैसे की शॉर्टफॉल होती है, यानी हमें जब अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए पैसे नहीं रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, कहीं से ना कहीं से लोन लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है कि हम बैंक से लोन लेते हैं। तो जब बैंक से लोन लेते हैं तो हमें क्या, उन्हें ब्याज भी चुकानी पड़ती है। उसी प्रकार जितने सारे कमर्शियल बैंक हैं, उनके पास जब फंड की शॉर्टफॉल हो जाती है, यानी कि उनके पास लोन की डिमांड बढ़ी रहती है, यानी वो पब्लिक को लोन देना चाहते हैं और लेकिन उस डिमांड के अकॉर्डिंग उनके पास उतना फंड नहीं होता, तब क्या करते हैं, उनके पास एक ऑप्शन होता है। वो ऑप्शन ये होता है कि वो हमारे सेंट्रल बैंक यानी कि RBI से पैसे उधार में ले और बदले में ब्याज भी चुकाए। यानी उन पैसों को जब वो चुकाते हैं तो प्रिंसिपल तो चुकाते ही हैं, साथ में इंटरेस्ट भी चुकाते हैं। तो वो जो जिस रेट पे वो इंटरेस्ट चुकाते हैं, उसी रेट को हम रेपो रेट कहते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में इसका डिफिनेशन दिया गया है। रेपो रेट एक ऐसा रेट है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को लोन देता है, ऐसे रेट को ही रेपो रेट कहते हैं। और इसको एनी शॉर्टफॉल ऑफ फंड के टाइम में बैंक यूज करते हैं। तो चलिए चलते हैं इस बात पे कि रेपो रेट का आम आदमी पे क्या असर पड़ता है। तो देखिए, हमारे देश का सेंट्रल बैंक RBI मॉनेटरी अथॉरिटी है, कंट्रोलर ऑफ दी बैंक है। तो जब उन्हें लगता है कि मार्केट में पैसे ज़्यादा हो गए हैं या मार्केट में पैसे कम हो गए हैं, तो कब मार्केट में पैसे बढ़ाना है, कब मार्केट से पैसे को स्क्वीज करना है, इस सिचुएशन को देखकर, इकोनॉमी को देखकर वो रेपो रेट को बढ़ाते या घटाते रहते हैं। तो रेपो रेट जैसे ही अगर बढ़ता है तो क्या हो जाता है, आप लोग समझ ही गए हैं कि जिस रेट पे बैंक RBI से उधार लेते हैं, यानी कि अगर हम महंगे में फंड को ख़रीद रहे हैं तो सस्ते में तो बेचेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, महंगे में ही बेचना पड़ेगा। यानी जैसे ही रेपो रेट बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक भी अपना जो हाउसिंग लोन है, पर्सनल लोन है, यानी जितने तरह के जो लोन है पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं, उन पे भी वो लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे। तो ऐसे लोन पे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो उनका डिमांड कम हो जाता है, यानी मार्केट में पैसे का सर्कुलेशन भी कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाता है। आई होप वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, रेपो रेट क्या है, इसके बढ़ने और घटने से क्या प्रभाव पड़ता है मार्केट में, लिक्विडिटी, इसके बढ़ने से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, घटने से मार्केट में लिक्विडिटी घट जाती है। ये इसको रेपो रेट को RBI का इनडायरेक्ट टूल भी कहते हैं, क्योंकि ये बैंकों के लिए, कमर्शियल बैंकों के लिए क्या होता है, मैंडेटरी नहीं होता है, ऑप्शनल होता है। यानी जब कमर्शियल बैंकों को लगता है कि हमें RBI से फंड लेना है, तभी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पे चार्ज होगा, अदरवाइज़ नहीं। तो आशा करती हूँ कि आपको रेपो रेट का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा, इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन आंसर है आई होप आप उसका आंसर दे पाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। इतना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।